हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं ये 6 लेन का जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये कैलाशपुरी तक ये काम पहुंच चुका है, जो दत्रा बाबा का मंदिर है। आस पास देखिए, उधर भी धीरे काम की गति प्रारंभ हो रही है। इधर देखिए, काम तो स्टार्ट भी हो गया है, नाली बनाने का भी काम चल रहा है, के बाद रोड खुदाई का भी काम हो रहा है। तो यहाँ मंदिर तक पहुँच चुका है, मंदिर को अभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये प्राचीन ताड़ वीर बाबा मंदिर, तो यहाँ तक जो काम है नाली बनाने का वो पहुँच चुका है कैलाशपुरी तक। तो फ्रेंड, जल्द ही यहाँ पे खुदाई का भी काम शुरू होगा, जो कि आसपास जितने भी स्पेस है, जगह है, उसे हटाया जाएगा। 328 करोड़ की लागत से सुभाष पार्क तक, यानी पड़ाव से लेकर सुभाष पार्क तक काम होना है। आप सभी को बता दें, जो ढलाई वाला रोड बन रहा है, पड़ाव से लेकर करबत तक बन चुका है। कुछ हिस्सा बीच में बाकी था, जो कि धीरे धीरे कम्प्लीट किया जा रहा है। उसके बाद नाली बनाने का जो काम है वो दुलहीपुर से लेकर कैलाशपुरी तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कुछ बीच में बाकी है तो कुछ हो रहा है। और गोदना मोड़ की बात करें तो अभी इधर काफ़ी कम काम हुआ है, ना के बराबर, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो अभी नहीं बनाऊँगा फिलहाल। ये सामने देखिए, मंदिर के पास ये खुदाई एकदम, देखिए देखिए मंदिर जो है शीतला माता का, इसी के बगल से कितना काम हुआ है। जो भी मार्ट है, कई परकच्चे उड़े हैं वो साइड। फ्रेंड्स, अभी कोई काम नहीं है, और देखिए कितना काम हुआ है। अधिकतर काम इसी साइड हुआ है, क्योंकि एक तरफ का कंप्लीट करना है किसी न किसी तरीके से। तो चंदासी तक जो वर्क है इसी तरह से किया जा रहा है इस समय। और ऐसा पता चला है कि सुभाष पार्क से लेके जो गोधना मोड़ है, गंजी प्रसाद जी का जो मूर्ति है, वहाँ तक फ्रेंड्स एक ब्रिज बनना है, जो कि जल्द ही आप सभी को ब्रिज का निर्माण भी देखने को मिलेगा। होता है नहीं होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो काम है वो हो पा रहा है। मूर्ति बनाने का जो काम था वो पूरा रुक गया है लोग का, उसी वजह से रोजी रोटी इनकी चलती थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, जो कि एक कब्जा था एक तरह से। देखिए इस साइड का जो काम है किस तरीके से कंप्लीट हुआ। और दोनों तरफ काम को लेके किया जा रहा है, इधर देखिए और इस साइड भी काम हुआ है कुछ कुछ। सबसे अधिक रास्ते में बात करें तो मंदिर ही देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स इन लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए सरस्वती होटल के पास भी काम हुआ है नाली बनाने का, घर भी हो रहा है। अब फ्रेंड्स बता दें आप सभी को, जो झलुआ झूला लगा था झूला बीपी स्कूल में, अब वो ये दामोदर पोखरे पे आ रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे लगाना शुरू हो गया है। तो आप सभी अगर मुगल सराय तो एक बार ज़रूर घूमें, काफ़ी अच्छा लगता है घूमने के बाद। ये देखिए बुलडोजर ऊपर चढ़ गया है।
किस तरीके से जारी है देखिए आप सभी। पूरा करकट आ गया एकदम इधर से। लक्ष्मी कमल लान के भी परखच्चे उड़े हुए हैं देखिए। ये पूरी तरीके से यहाँ पे आईपी मुगल मॉल का भी काम है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ काम हुआ है आईपी मुगल मॉल का। होगा सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट दोस्त बता जरूर कर। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हमारे आदे की सपोर्ट।